बताओ क्या हुआ। मैं देखूंगी बस। हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल रुन खटोला ब्लॉग में। तो गाइज अभी यहाँ बज रहा है 1:45 दिन का और अभी जस्ट हमारा लंच हुआ है, 1:30 बज गया था। आध्या को खिलाए, फिर उसको सुलाए, फिर जाके हम लंच किए हैं। और यहाँ तो बर्तन उर्तन भी साफ करना होता है, तो वो सारा कुछ हो गया है और मैं अभी रेडी हुई हूँ। अभी आज जाएंगे मार्केट सिटी सेंटर, और वहाँ से कुछ कुछ सामान लाना है, ज़रूरी की चीज़ें, जिसके बिना कि हम लोग को नहीं रहा जा रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है, तो वही हम लोग लेने जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बिना हम लोग का नहीं हो पा रहा है गुजारा। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा, और जो लोग उड़न खटोला ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे गाइस, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और बहुत तेज हवा चल रही है, इतना तेज हवा चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मार्केट। अभी आजा को भी लेके आए थे तो ट्रेन पकड़ना था, हम लोग को दिखा रहा। ये जो स्टेयर है ना, इससे होके पीछे बैक साइड जाते तो स्टेशन है, फिर उधर साइड से ट्रेन आती है तो उसको पकड़ के सिटी सेंटर जाते। और देखिए कितना तेज हवा चल रहा है, आपको इसको देख के समझ में आ ही रहा होगा। और आते आना इतना कम्फर्टेबल होने लगा, फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करे नहीं करे, और उसको लेके अंदर खड़े हैं उसके पापा। सामान लेना था और यहाँ सालों भर मतलब मौसम ना गाइस ऐसे ही रहता है, बहुत तेज तेज हवा चलते रहती है और रेन का भी प्रेडिक्शन कर रहा है, तो मतलब हम जाएं तो फंस जाएंगे बेकार में, जाना बेकार हो जाएगा हम दोनों के लिए। वैसे मतलब सही था, बट आद्या का जो है ना, आद्या बच्चे को लेके फिर हम लोग, पर ये एक उधर आदमी पहुंचने की कोई ट्रेन में घुस जाएगा ना, और आद्या जा नहीं रही है घर वापस की हमको जाना है। अब लुवास के अंदर एक बार घुस जाए तब तो ठीक है, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। और आद्या घर नहीं वापस जा रही है। आद्या घर चलो बेटा, और नहीं नहीं मॉल जाना है, देख रहे हैं आप लोग, अब बताइए कैसे क्या करें। इसको स्पार लेके चलते हैं मॉल, तो बेटा बहुत तेज हवा चल, स्पार लेके चलते हैं एंड देन जान पे खेल के चला जाए। बोलो, और जान पे खेल के चलना है। अब बताइए ऐसे में हम लोग क्या करें। इसीलिए गाइस बस गाड़ी की यहाँ पे हम लोग को बहुत मतलब वो हो गई है, नीड हो गया है, मतलब जरूरत नहीं, मतलब समझिए कि वो हमारे लिए नेसेसरी हो गया है। दिखाओ हाथ को गाइस को, बताओ क्या हो। तो गाइस जब जा रहे थे हम लोग ना, तो फिर वही हुआ कि सेकेंड टाइम में भी आधे जीत करने लगी। वैसे वापस तो हम लोग आ गए थे, फिर ये बोलने लगी नहीं जाना है जाना है, तो हम लोग बोले कि किसी तरह इसको छुपा के ले जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको ले तो गए ट्रेन तक, लेकिन जैसे ही गए वैसे ही ये गिर गई दोनों हाथ के बल, और इसका कट गया है पूरा अच्छा खासा मतलब, और रो रही है खूब तेज तेज, मतलब बहुत ट्रेजिडी हो गई हमारे साथ, मतलब क्या बताएं, कुछ और सोचे थे हो गया कुछ और। दिखा रहे बेटा, इस तो अभी हम आद्या को लेके बैठे हुए हैं, और आद्या के पापा गए हैं मार्केट गए हैं,
क्योंकि जाना बहुत ज्यादा ही जरूरी था, मैं नहीं जा पाई क्योंकि आद्या के हाथ में चोट लग गई। ये दिखा दो बेटा अपना हैंड, देखो। तो इसका हाथ में ज्यादा चोट लग गई है तो मैं नहीं जा सकती थी, तो और जाना जरूरी था तो वो चले गए हैं, और देखते हैं क्या लाते हैं। नहीं बेटा, आपके हाथ में चोट लगी है ना, तो कैसे पकड़ोगी? पकड़ोगी तो दर्द होगा। पापा तो नहीं दिख रहे, तब मैं कुछ, मम्मा मुझे, मैं कुछ सोच, मैं तो तैयार हूँ, रेडी हूँ मैं। रेडी हूँ ना? हाँ रेडी हूँ आप, बिल्कुल रेडी। ड्रिंक पानी हूँ ना? हाँ ब्लू वाला। हाँ ब्लू वाला। ब्लू वाला पहन तू, तो देखो फूल पानी हो निकला का। हाँ हाँ इतना मजा आ रहा है ना मम्मा। हम क्या पहने हैं? हाँ हम क्या गीला नहीं है अभी। नहीं आप कायरा को शाउट करो, कीला, कीला, कायरा वेर आ रही हूँ, उसको शाउट करो आ जाएगी। कायरा को शाउट करो आ जाएगी। नहीं बेटा आपको हाथ में ना दर्द होगा, शाउट करो ना, बोलो वेर आ रही हूँ। कायरा वेर आ रही हूँ, कम हियर, I want to play with you. With you. I want. Want. Play. Play. With you, Kaira. With you. I'm waiting here. काकी भी खुला दुम पे जमा ले, खुला खुला दुम पे जाती, खुला। तो गाइस आदे को लेके आए हैं थोड़ा सा इसको प्ले करवाने, बेचारी अब बहुत इसका मन था जाने के लिए मॉल, जा नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। इनके हाथ में आप लोग देख रहे होंगे कि बैंड लगा हुआ है, इसके हाथ में थोड़ा सा चोट आ गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो फिर हम वापस आ गए। आदे के पापा भी हालांकि वापस आ गए थे, फिर थोड़ा सा कुछ नॉर्मल हुआ तो फिर चले गए वो मार्केट, क्योंकि वो ज़रूरी भी था, और मैं इनको इनकी देखभाल कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको खुश कराने के लिए लाई हूँ। आ गए यार, ये क्या है बाबा, दिखाओ। ये जो लिफ्ट है ना, तो ऊपर जाओ, सेकंड फ्लोर पे जाओ, भी बाहर की तरफ खुला भी है, बाहर खुलता है स्टेशन। बताओ कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता लगा तो आते समय में, मतलब वहां से आऊंगा ना सबसे पास पड़ेगा, लोग बेकार में उधर गए हैं। वही ना पापा, ये कैसे ले तूने, ये महंगा है ना? बहुत महंगा है बेटा, बहुत महंगा है। तो गाड़ी ज्यादा के पापा मार्केट से आ गए हैं और हम बताया ही और थे जो कि हवा चल रही है ना उसी ऊपर तक ही चल रही है, नीचे नहीं है, मतलब नीचे क्या, एक बार ट्रेन में घुसो तो फिर, मतलब ट्रेन में तो फिर एक्चुअली आज जाना लिखा ही नहीं था हम लोग, खासकर मुझे और आद्या को। हाँ एक बार शहर में मतलब चले जाओ तो नहीं पता, मतलब नॉर्मल ही है ना, क्योंकि वहाँ तो बिल्डिंग गिरा हुआ है तो वहाँ पे थोड़ी कोई हवा, तो जाना ही नहीं लिखा था। तो गाय ज्यादा के पापा आ गए हैं और मार्केट से क्या क्या लाए वो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और एक तो देखने को मिल गया बहुत जरूरी चीज था जो कि यहाँ पे इसी से झाड़ू लगेगी। हे गाइस, तो हमारा सामान आ चुका है फाइनली, और आधे के पापा के लिए ही गए थे, वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो मैं सुबह बताई थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था हमारे लिए, जिसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमारा ये है, देखिए तावा, क्योंकि ये इसके बिना हमारे पास सब कुछ था, आटा था, सब कुछ था, बेलन वेलन सब कुछ था, बट तावा नहीं था जिससे मैं रोटी नहीं बना रही थी, और इतने दिन से बस चावल चावल खा रहे थे, बस एक दिन पूरी बनाई थी, और पूरी ऐसा चीज है कि हम डेली पूरी खा नहीं सकते हैं, तो यही जरूरी था, रोटी नहीं बन रहा था। और मैं बता देती हूँ कि इस पे कितना दाम लिखा हुआ है, 26.49, मतलब 26.49 €26.5 का है, यानी कि इंडियन INR में इसको कन्वर्ट करे तो हमको लग रहा है 2500 का है ना, वही 24-25 2500 का ये तावा है, जो कि बहुत ज्यादा, समझिए कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन क्या करे, रहना है तो 400 में तावा आ जाता है इंडिया में। अरे 100-150-200 में तावा आ जाएगा इंडिया में,
पर यहाँ पे मतलब कई गुना कॉस्टली है। तो ये तावा था, तावा जरूरी था, ये इसी के बिना गुजारा नहीं हो रहा था। बाकी ये सब इंडियन शॉप से ये सारा सामान आया है, जो कि कुछ कुछ इंडियन शॉप से भी है और कुछ कुछ मतलब लिडल से भी है। लिडल से भी है। तो ये जैसे हम घी नमकीन हो गया, तो ये सब इंडियन शॉप पे ही मिला है। ये बिकानो का झालमुड़ी, पतंजलि का घी, और ये शान का अचार। और ये अचार जो है कि इसको हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि मेरी जो बहन अचार दी थी ना, सामान ज्यादा होने की वजह से हम नहीं ला पाए, उसको वहीं पे निकाल दिए, क्योंकि लिमिटेड ही सामान हम लेके आ सकते थे, तो अचार निकाल दिए। फिर ये अचार आया है। और ये देखिए मिर्ची, इतने दिन से बिना मिर्ची का हम मतलब हरा मिर्ची के बिना हम खाना बना रहे थे। जो रेड चिली लेके आई थी वही यूज कर रहे थे, और इसको देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। और थोड़ी सी ये सब्जी आई है भिंडी, जो कि मेरे को लग रहा है ना कि भिंडी कम से कम तीन यूरो से ऊपर का ही तीन यूरो से ऊपर का, यानी कि 300 की भिंडी, 200-250 की भिंडी इतनी सी, मतलब ऐसे है। पर क्या करे, इतने दिन से मतलब ऐसे ही हम थे, रहना है तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे ही। ये पनीर मतलब हफ्ते भर का लगभग हमको लग रहा है ज्यादा, कि पापा सब्जी ले आ दिए हैं। और मेरे उड़न खटोला ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने की मिलती रहेगी ब्लॉग में। बाय बाय ऑल, बाय करो।